हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं संगम इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को कहीं पर भी थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ये लगभग 1900 करोड़ रुपए का है और फिलहाल जो कंपनी का शेयर प्राइस है ये 388.60 रुपये है और कंपनी का जो 52 वीक का हाई था ये 397.40 रुपये था। अब दोस्तों, एक बार हम इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है ये 70.17% की है, जो कि बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा इस कंपनी में जो रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग है ये 29.23% की है और इस कंपनी के अंदर आपको ये दो ही तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का जो पीई रेशो है ये 26.64% का है और इस इंडस्ट्री का दोस्तों जो एवरेज पीई रेशो है ये 12.44 का है, यानी कि इंडस्ट्री के एवरेज पीई रेशो के हिसाब से इस कंपनी का जो पीई रेशो है ज़्यादा है। कंपनी का जो पीवी रेशो है ये 1.96 का है। कंपनी का जो आरओई है ये 17.31% का है। कंपनी का जो आरओसीई है ये 14.25% का है और ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है और इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है ये 0.53% का है। कंपनी का जो डेप टू इक्विटी है ये 0.94 का है, यानी कि कंपनी का डेप टू इक्विटी कंट्रोल में है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक बार ईयर वाइज रिपोर्ट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2019 से 2023 तक कंपनी के ईयर वाइज प्रॉफिट और लॉस का ट्रेंड क्या था। 2023 में कंपनी ने 131 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जबकि 2022 में कंपनी ने 140 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, यानी 2022 के अंदर कंपनी ने 2023 की तुलना अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था। बाकी अगर आप इससे पीछे देखेंगे 19, 20 और 21 की रिपोर्ट, तो आप पाएंगे कि उन तीन साल के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट 2022 और 23 की तुलना में काफ़ी कम कमाया था। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि सितंबर 2023 के अंदर कंपनी ने 11 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, जबकि सितंबर 2022 में कंपनी ने 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था, यानी कि जो सितंबर 2023 है ये सितंबर 2022 की तुलना में कम प्रॉफिटेबल रहा है कंपनी के लिए। और बाकी जो रिपोर्ट्स है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस कंपनी ने 1999 से लेकर अभी तक अपने निवेशकों को 8,536% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 461% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 45% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में 62% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को 26% का रिटर्न दिया है। आपने संगम इंडिया लिमिटेड से संबंधित आंकड़े अभी देखे हैं। आपने देखा कि कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है ये काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा कंपनी का जो पीई रेशो है ये ज़्यादा है। हमने ये भी देखा कि ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है और कंपनी का जो डेप्ट इक्विटी है ये कंट्रोल के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों, जब हम कंपनी की प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि 2022 के अंदर और 2023 के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन कंपनी के जो लास्ट जो दो क्वार्टर गए हैं ये कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल तो गए हैं, लेकिन इन दोनों क्वार्टर के अंदर कंपनी ने कोई ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न किया है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कंपनी है एक बहुत ही अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दे रही है। बाकी आप लोग किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें और खुद भी एक बार डिटेल के अंदर स्टडी जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट रिपोर्ट है, अगर इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।